नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन दिवाली पर आएगी? जी हाँ, खबर तो यही है कि रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सिंघम अगेन को अब 15 अगस्त को रिलीज न करके दिवाली पर रिलीज करने की प्लानिंग की है। इसकी वजह बताई जा रही है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2। पिछले दिनों अल्लू के जन्मदिन पर इसका टीजर लॉन्च हुआ और लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। इससे रोहित शेट्टी की नींद हराम हो गई और उन्होंने जियो स्टूडियो को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम 15 अगस्त को पिक्चर रिलीज नहीं कर पाएंगे। और वजह बताई कि शूटिंग काफी बाकी है, VFX पोस्ट प्रोडक्शन काफी टाइम लेगा और 15 अगस्त की डेडलाइन पूरी करना नामुमकिन होगा। इसी वजह से खबर है कि अब पिक्चर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 के साथ टकराएगी। ऐसे खबर ये भी है कि रोहित शेट्टी काफी रीशूट कर रहे हैं फिल्म को। फिल्म में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का गेस्ट रोल है, लेकिन महीनों तक इन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की है। लगता है वो गेस्ट नहीं होकर एक लंबा चौड़ा कैरेक्टर निभा रहे हैं फिल्म के अंदर। रोहित शेट्टी ने पिछले साल सुपर डुपर फ्लॉप दी थी फिल्म सर्कस और वो नहीं चाहते कि वो हिस्ट्री रिपीट हो, इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या शूट करें क्या न करें और बेचारे एक छुट्टी के मोहताज हैं। 15 अगस्त के बाद कोई भी दिन रिलीज कर सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी मेकर को एक्टर चाहिए सेफ विंडो कि उस दिन छुट्टी हो और लोग फिल्म देखने आए। अगर पुष्पा फिल्म खराब होगी तो 15 अगस्त को नहीं चलेगी और रोहित की फिल्म अच्छी होगी तो किसी भी दिन चलेगी, चाहे वो 15 अगस्त हो, होली हो या दिवाली हो। तो दर्शकों इंतजार कीजिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सिंघम अगेन का कि कब रिलीज होगी, लेकिन जैसे कि बताया संभवतः ये फिल्म दिवाली के दिन आएगी। बड़े मियां और छोटे मियां और फिल्म मैदान ने लगा दी 600 करोड़ की वाट। जी हाँ, इस ईद पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म रिलीज हुई बड़े मियां और छोटे मियां, जिसका बजट था 350 करोड़, और बोनी कपूर की 5 सालों से डब्बों में बंद पड़ी फिल्म मैदान जिसमें थे अजय देवगन और बजट था 250 करोड़। ये दोनों फिल्में इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है कि पूरी इंडस्ट्री शॉक में है। 11 अप्रैल को नेशनल हॉलीडे था, ईद थी, उसके बावजूद इतना घटिया प्रदर्शन रहा बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों का कि अक्षय, टाइगर, अजय देवगन के स्टारडम की धज्जियां उड़ गई है। पहले फिल्म 10 को रिलीज होने वाली थी लेकिन ईद पोस्टपोन हो गई 11 को, इसीलिए मेकर ने जबरदस्ती पोस्टपोन करना पड़ा पिक्चर को 11 को, क्योंकि 10 तारीख के लिए एडवांस टिकटें ही नहीं बुक की थी। लोगों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था कि एडवांस में टिकट बुक करके पिक्चर देखने जाएं। 11 को पिक्चर रिलीज हुई और बड़े मियां छोटे मियां के पहले दिन ही गुजरात में कई जगह शो कैंसिल हो गए। KDM की प्रॉब्लम थी, कई जगह KDM के चक्कर में फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और बड़ा चढ़ाकर कलेक्शन दिखाया गया पहले दिन का 15 करोड़, और फ्राइडे को सेकेंड डे पिक्चर मोर देन 50% क्रैश हो गई और कलेक्शन मुश्किल से रहा 6 से 7 करोड़। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन होगा मुश्किल से 75 करोड़, हाथ में आएंगे प्रोड्यूसर के 30 से 35 करोड़। अभी 325 करोड़ का लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? यही कुछ हाल रहा फिल्म मैदान का। मैदान के तो 10 तारीख को पेड प्रीव्यू किए और कलेक्शन रहा मुश्किल से 2 करोड़। थर्सडे को पिक्चर रिलीज हुई नेशनल हॉलीडे और कलेक्शन रहा मुश्किल से 4.5 करोड़, और फिल्म फ्राइडे को ये भी क्रैश हो गई, कलेक्शन 2 करोड़ भी नहीं रहा। इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा मुश्किल से 50 करोड़, 250 करोड़ की लागत, हाथ में आएंगे 25 करोड़, 225 करोड़ का नेट लॉस। ये दूसरी बात है, मेकर जबरदस्ती दिखाएंगे ओवरसीज से कलेक्शन आया, हमने डिजिटल में ये अनाप शनाप रेट में बेची, OTT पर बेची, वो सब फेक बातें हैं जो हर कोई बच्चा भी जानता है कि कैसे इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया। अभी भी वासु बगनानी अपनी टांग ऊपर करके रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 33 करोड़। जब हिंदुस्तान की जनता थिएटर में फ्री में भी घुसने को तैयार नहीं है तो ओवरसीज के दर्शक क्या मरे जा रहे थे बूढ़े खिलाड़ी और चूहे टाइगर श्रॉफ को देखने के लिए? पूरा का पूरा फेक कलेक्शन है 33 करोड़ का, ये कोई आसानी से बता सकता है। बड़े मियां छोटे मियां के फ्लॉप होने की वजह थी कि बेहद घटिया एक्शन, एंटरटेनमेंट नदारद, गाने बहुत ही खराब, स्टोरी का नामो निशान नहीं। और जब बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन फिल्म है तो उसको कॉमेडी फिल्म का टाइटल कैसे दे सकते हो? और आज की तारीख में अक्षय कुमार का स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो चुका है और टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग की ए तक नहीं आती। अब जब ये लोग 100 करोड़ 50 करोड़ फीस चार्ज करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्या ये जायज है उनके लिए, जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये लोग फुल नहीं करा सकते। और मैदान बनाकर तो जी और बोनी का पूरा डेफिनेटली दिवाला निकल गया होगा। 5 सालों से पिक्चर डब्बे में बंद थी और पेड क्रिटिक्स ने भले ही इसको 4 या 5 स्टार दिए हो, लेकिन आम जनता के लिए इस फिल्म में कोई भी मनोरंजन नहीं था, इसीलिए इस फिल्म को आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया गया।
ये हमारे कागजी शेर हीरो खुद को बहुत बड़ी टॉप एक्टर समझते हैं, लेकिन लोगों की इतनी फटी पड़ी रहती है कि सोचते हैं कि किस दिन 26 जनवरी है, होली है, ईद है, 15 अगस्त है, दिवाली है, क्रिसमस है, उस दिन फिल्म को रिलीज करें कि कम से कम छुट्टी के बहाने कुछ तो लोग थिएटर में आ जाएं। इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि नॉर्मल डे पे भी पिक्चर रिलीज कर सके। ये है इनका कागजी स्टारडम। इनको चाहिए बस पान पराग विमल के ऐड करें और खुश रहें। अब देखिए अपने सल्लू मियां, 6 सालों से ईद पर फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन इस साल उनकी कोई फिल्म तैयार नहीं थी तो मजबूरन अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्मों ने कब्जा कर लिया ईद पर। लेकिन तुरंत सल्लू भाई ने अनाउंस कर दिया कि भैया अगली ईद को मुझे झेलने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, 2025 की ईद पर सलमान खान लेके आ रहे हैं फिल्म सिकंदर, जिसके प्रोड्यूसर हैं साजिद नडियादवाला और डायरेक्टर हैं मुरुगदास। पहले किक 2 थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है सिकंदर। हकीकत में देखा जाए तो सभी का स्टारडम खत्म हो चुका है। तीनों खान बूढ़े हो चुके हैं, लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, अपना खिलाड़ी रिटायर हो जाना चाहिए। शाहिद कपूर, वरुण धवन, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सभी OTT के स्टार बनते रह चुके हैं। इनको कोई भी आदमी टिकट लेकर थिएटर में देखने नहीं जाएगा। बचे ऋतिक रोशन, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, विकी कौशल, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना वगैरह। इनकी साल में मैक्सिमम 4 या 5 फिल्में टोटल रिलीज होंगी। इससे क्या फिल्म इंडस्ट्री चल सकती है? जरा भी नहीं। चाहिए मेकर्स को कि नए टैलेंट को बढ़ावा दें और एक अच्छी शिक्षाप्रद कॉमेडी एंटरटेनिंग फिल्म बनाए, न कि किसी राजनेता पर कोई बायोपिक, कोई प्रोपेगेंडा फिल्म या डिप्रेसिंग फिल्म को बनाए। वो भी 300-400 करोड़ का बजट उनको भूल जाना पड़ेगा। बनानी चाहिए 10-25 करोड़ के बजट में फिल्में, और जो खुद को बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार समझते हैं उनको डेली सैलरी पे रखना चाहिए। पेट्रोल का किराया दिया, खाने पीने का दिया, बाकी बोले कि जब फिल्म हिट होगी उसमें से हम आपको परसेंटेज देंगे। ये स्टारडम ने फिल्म इंडस्ट्री का पूरी तरह से सत्यानाश करके रख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे बड़े मियां छोटे मियां के प्रोड्यूसर वासु भगनानी, जो एक समय प्रोड्यूसर नंबर 1 होते थे, आज की तारीख में 0 नंबर 1 हो गए हैं। उन्होंने पिछले 24 सालों में 30 से भी ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं। एक आध कोई एवरेज रहोगी, हम नाम गिनाते हैं, 13 जादू चल गया, मुझे कुछ कहना है, रहना है तेरे दिल में, दीवानापन, ओम जय जगदीश, जीना सिर्फ मेरे लिए, आउट ऑफ कंट्रोल, शादी नंबर 1, वादा, सिलसिले, सॉरी भाई, कल किसने देखा, डू नॉट डिस्टर्ब, फालतू, अजब गजब लव, रंगरेज, फिर 2013 में आई थी हिम्मत वाला, यंगिस्तान, हम शकल, वेलकम टू कराची, सरबजीत, मोना डार्लिंग, कार्बन, वेलकम टू न्यूयॉर्क, दिल जंगली, खामोशी, घोस्ट, जवानी जाने मन, फिर 2021 में सुपर डुपर फ्लॉप अक्षय कुमार की बेल बॉटम, 2023 में मिशन रानीगंज और 2023 में 200 से ज्यादा करोड़ के बजट की फिल्म गणपत। वासु जी ने इतनी लाइन से फ्लॉप दिए हैं, पता नहीं उनके पास पैसा कहाँ से आता है, कैसी गेम कर रहे हैं। जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर फिल्में परफॉर्म कर रही हैं, लगता है 2024 बेहद खराब रहेगा आने वाले दिनों में भी। 4 महीने हो गए, कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई है, IPL चल रहा है, चुनाव का माहौल है मई एंड तक, और 31 मई को आएगी वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन, उससे भी कोई खास उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। 14 जून को आएगी कंगना आंटी की इमरजेंसी और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन। ले देकर एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है फिल्म पुष्पा 2 में, जो 15 अगस्त को आएगी। तो फिलहाल दर्शकों, आप OTT पे साफ सुथरा डिफरेंट एंटरटेनमेंट एंजॉय कीजिए, वो भी फ्री में। भूल जाइए कोई थिएटर में फिल्म रिलीज भी हो रही है। TP अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।